जैन दोस्तों दोस्तों दो तीन अच्छी खबरें लेकर के आया हूँ पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए, बैंक कर्मियों के लिए कि अब पूर्व सैनिक बनेंगे टीचर, परिवार को मिलेगी सरकारी नौकरी, पीपीओ, एफएमए, डिजिटल एरियर मिलेगा तुरंत, 10 दिन की सैलरी के बराबर मिलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशनर्स के, पीपीओ, एफएमए और एरियर को लेकर के। इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर में शामिल हुए मेडिकल अलाउंस और पेंशन एरियर। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि धीरे धीरे जो है लगातार डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। तो उसी प्रकार से जो है आप देख रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय द्वारा करीब 65 लाख पेंशनर्स को राहत प्रदान की गई है दोस्तों। और इसमें क्या किया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर में अब मेडिकल अलाउंस और जो पेंशनर्स को अलाउंस एरियर मिलना है उनको भी शामिल कर लिया गया है, और इससे 65 लाख पेंशनर्स को दोस्तों राहत मिलेगी। और इसका ऑफिस मेमोरेंडम भी आप देख रहे हैं 6 मई 2024 का, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का आप देख रहे हैं, पेंशन लेखा कार्यालय का, सब्जेक्ट आप इंप्लीमेंटेशन ऑफ एरियर ऑफ पेंशन एंड फिक्स मेडिकल अलाउंसेज, जिनका जो है पीएओ और सीपीएओ लेवल पर जो है पेंशन को कैलकुलेट किया जाता है, पेड किया जाता है, तो उनका जो है जो एफएमए है और जो है एरियर है दोस्तों उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक बेस पर किया जाएगा, इनका पीपीओ जो है इलेक्ट्रॉनिक जारी किया जाएगा। और इसके दोस्तों इसी के अनुसार जो है सभी बैंकों सीपीपीसी को भी जो है यह इंस्ट्रक्शन भेज दिए गए हैं कि इसके लिए जो है जो डेवलपमेंट किया जा रहा है इसके लिए 15 मई तक जो है उनको अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव करने होंगे, ताकि जो है पेंशनर्स को जो है इन सभी चीजों का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसका फायदा मिल सके और वो अपने सारे जो एंटाइटल्स हैं, पीपीओ हैं, सारे देख सके इलेक्ट्रॉनिकली और उनको जो है जल्द से जल्द उनकी पेमेंट उसी के अकॉर्डिंग हो सके। अगला है दोस्तों खुशखबरी है बैंक कर्मचारियों के लिए, खास करके अब की बार जो है दोस्तों जो बैंक का चौथे क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं ऑलमोस्ट सभी बैंकों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आप यहां पर देखें कि एसबीआई ने भी दोस्तों 24% का मुनाफा बढ़ा है, उसी प्रकार से जो है पीएनबी का मुनाफा दोस्तों 3 गुना जो है बढ़ चुका है, और यह 3 गुना बढ़ करके 3,010 करोड़ रुपए हो चुका है, और पूरे वित्त वर्ष में दोस्तों 8,245 करोड़ रुपए जो है इसका रहा है। और इससे दोस्तों एक देश को तो दोस्तों इससे फायदा होता ही है, अगर कोई भी हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रगति करता है जो है तो इससे देश को तो फायदा होगा ही, इससे दोस्तों बैंकिंग कर्मचारियों को भी फायदा होता है जब वो मुनाफा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों 10 दिन की सैलरी के बराबर उनको पीएलआई मिलेगी, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है, जैसे आपको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं जैसे उनको दीपावली के तौर के समय पर बोनस मिलता है, तो बैंकिंग कर्मचारियों को वो नहीं मिलता है दोस्तों। हाँ जो जो डी ग्रुप में आते हैं दोस्तों वो सैलरी के ऊपर होता है उनको जरूर मिलता है, लेकिन जो है आपको बताऊं जो कर्मचारी हैं उनको यदि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और बैंक को जो है दोस्तों अच्छा फायदा मिला है तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी, उनको जो है सैलरी में इसका इंसेंटिव दिया जाता है। तो अब की बार जो है दोस्तों इनको पीएनबी के जो कर्मचारी हैं उनको 10 दिन की सैलरी के, क्योंकि अच्छा मुनाफा दिया है तो 10 दिन की सैलरी के बराबर जो है इनको इंसेंटिव मिलने जा रहा है दोस्तों, आप ये देख भी रहे हैं ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब अगर आप आगे बढ़ेंगे, पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जब पूर्व सैनिक रिटायरमेंट आते हैं चाहे उन्होंने हाई स्कूल की है, 12th पास की है, तो उनको एक ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का फायदा हालांकि दोस्तों फाइनेंशियल या एजुकेशनल सेक्टर में उनको भले ही ना मिले, लेकिन जो है जो अन्य डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के वहां पर जो है चाहे उन्होंने इंटर की है लेकिन उनको जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला उससे होता क्या है दोस्तों कि वो सपोज पुलिस की भर्ती के लिए जा रहे हैं, वहां पर जो सिविल के हैं ग्रेजुएशन बच्चा चाहिए होता है, लेकिन जो एक्सेसमैन होता है वो 12th पास भी अप्लाई कर सकता है सब एएसआई के लिए, जबकि वहां पर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है जरूरत क्या होती है ग्रेजुएशन की, तो जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता इस प्रकार का जो है उनको फायदा मिलता है एक्सेसमैन को। तो यहां पर जो है सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बड़ी एक पहल की है दोस्तों कि पूर्व सैनिकों को बीएड के बराबर मानते हुए सरकारी अध्यापक
बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब जो पूर्व सैनिक खासकर जो राजस्थान सरकार के राजस्थान के हैं दोस्तों, उनको जो है उनको बीएड के बराबर माना जाएगा और उनको भी जो है अध्यापक बनाया जाएगा। तो राजस्थान की शिक्षा विभाग की नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी अध्यापक बनाने की तैयारी चल रही है दोस्तों। और दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि उन्होंने इस संबंध में घोषणा की है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कि पूर्व सैनिक बीएड के बराबर होंगे जिन्हें मेरिट और आरक्षण के आधार पर अध्यापक बनाया जाएगा। दुर्भाग्यवश भारतीय सैनिकों की सामान्य मौत हो जाती है या वे लड़ाई के दौरान शहीद हो जाते हैं तो शरीर की वीरांगना या आश्रित परिवार को राजस्थान सरकार में सरकारी नौकरी देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रपोजल तैयार किया जा रहा है और मुख्यमंत्री के पास में यह भेज दिया जाएगा। और राजस्थान जो है, जो सरकार है, उनका शिक्षा विभाग है, ऐसा भारत के अंदर पहला राज्य है जिन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए इस प्रकार की पहल की है कि उनको जो है बीएड के बराबर मानते हुए अध्यापक के लिए जो है वो उनकी एलिजिबिलिटी मेरिट आरक्षण के आधार पर उनको अध्यापक बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्या यह चीज पूरे देश में लागू होनी चाहिए या सभी राज्यों को जो है इस प्रकार से जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए पूर्व सैनिकों के लिए, उनके जो उनका परिवार है, उनके जो आश्रित हैं उनके लिए दोस्तों। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है मेरी तरफ से दोस्तों, आप भी अपनी राय दे सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।